पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया। द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा सन क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बधाली झलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अब मेरी भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ये यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होंठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुँचाना ही ज्यादा अच्छा है। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा, सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ ऐसा बजा लो ऋषि के लिए, क्योंकि बाल सखा से मिले साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
करी, बोलो किसने करी लाल की। लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह। आओ सुदामा आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो, मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा, चले आओ सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो, मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज बराबर पे अपने बिल्कुल अपने हाथ खोलकर ताली बजाने को सभी लोग हरि बोल। शाम ने दुलाए हाँ, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।